खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां मदनगंज के मजेला रोड पर सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने उड़ीसा के पूर्व डीजीपी और वर्तमान लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के आवास पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लोकायुक्त सदस्य शर्मा के आवास से सोने के आभूषण और एक किराएदार की अलमारी से 11 लाख की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम श्याम जी खाटू गए हुए थे, भागवत गीता का प्रोग्राम चल रहा था, इसको अटेंड करने गए थे। कब गए थे आप? कल सुबह 5 बजे हमने यहाँ से निकले थे और 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ के खाटू पहुँचे थे। कैसे इन्फॉर्मेशन मिली आपको चोरी की? इन्फॉर्मेशन शाम को ऐसा है कि 7 बजे हमने ऐसे ही इनको आईजी साहब है उनके सिस्टर को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये हम लोग आए नहीं हैं। मैंने पूछा था वो आए क्या घर पर, तो बोले हम लोग नहीं आए हैं। तो उन्होंने पड़ोस वाले से ताला लगाने के लिए बोला था, मेन गेट पे जो पार्किंग का गेट है उस पर ताला लगाने के लिए बोला, तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो ताला लगाने जैसे अंदर आए तो उनको लाइटें वगैरह साली चालू दिखी और गेट के ताले टूटे हुए दिखे थे। तब उन्होंने उनको आईजी साहब की सिस्टर को फ़ोन किया और उनके द्वारा हमारे को सूचना मिली।